नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि और आप देख रहे हैं शशि शुक्ला टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं MIUI 10 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट Redmi Note 5 डिवाइस के लिए। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, जो मैंने डाउनग्रेड का वीडियो बनाया था उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था। इस वीडियो में आपको लाइव करके दिखाऊंगा, मैं आपको डेमो दिखाऊंगा अपने फ़ोन में करके कि आप कैसे MIUI 9 से MIUI 10 में अपग्रेड कर सकते हैं खुद से। इसके लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक और ध्यान से देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि आप किस तरह अपने डिवाइस को MIUI 10 स्टेबल में अपग्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक से जाके आप अपना फाइल पहले डाउनलोड कर लें। फाइल डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे दो लिंक आपको मिलेंगे, एक लिंक होगा जो OTA अपडेट का होगा और दूसरा लिंक होगा वो फुल रोम का होगा। तो जिनका बीटा रोम है वो फुल रोम पैक डाउनलोड करेंगे और वो जब अपग्रेड करेंगे तो उनका पूरा डाटा लॉस हो जाएगा, तो इसलिए वो बैकअप बना लें। और जो लोग स्टेबल पे हैं, MIUI 9 स्टेबल पे हैं, वो लोग बिना डाटा लॉस किए इसको फ्लैश कर सकते हैं। तो उनके लिए दूसरा लिंक है जो OTA लिंक है, तो वो फाइल आपको 500 MB के आसपास होगी और जो फुल रोम का लिंक है वो फाइल आपको 1.5 GB के आसपास होगी। तो मैं जिस मोबाइल को अपग्रेड करने जा रहा हूं उसका कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखा दे रहा हूं। यहां चलते हैं अबाउट फ़ोन में और यहां आप देख सकते हैं कि मेरा मोबाइल है 8.1.0, इसका MIUI 9 वर्ज़न जो है वो है 9.6.5.0। तो इसके लिए मैंने OTA फाइल डाउनलोड कर लिया है क्योंकि मैं स्टेबल रोम पे हूँ ऑलरेडी, तो मेरा वही 500 MB वाला फ़ाइल लगेगा। तो मैंने OTA फाइल लोड कर लिया है और आपको मैं अभी दिखाता हूँ कि कैसे हम इसको अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे सिस्टम अपडेट पे जाएंगे और आप देख सकते हैं नो अपडेट अवेलेबल लिख रहा है, यानी कि मुझे OTA के थ्रू नहीं मिला है। तो मैन्युअली इसको करते हैं, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, चूज अपडेट पैकेज पे जाएंगे। मेरे और भी प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, फाइल मैनेजर में हम जाएंगे और जहाँ पे मैंने सेव कर रखा है इंटरनल स्टोरेज में, मैंने UC ब्राउज़र से डाउनलोड किया था, तो अभी UC ब्राउज़र वाला फ़ाइल हम खोलेंगे और वहाँ पे फाइल वो मिल जाएगी। ये देख सकते हैं 476 MB की फ़ाइल है, इस पर मैंने ओके किया। और यहाँ अभी आपका नेट चालू होना चाहिए, इसके बाद गेटिंग इन्फो लिखा हुआ आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इसके बाद से ये फ़ाइल डिस्क्रिप्टिंग होना शुरू हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिंग होने का मतलब कि ये फ़ाइल सही है। और यहाँ आप देख सकते हैं रीबूट एंड अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, डेटा लॉस कोई होने वाला नहीं है। रीबूट एंड अपडेट पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर फ़ोन बंद होकर चालू होगा और ये कुछ अप्रोक्स 10 मिनट का टाइम लेता है, तो आप पेशेंस बनाए रखें क्योंकि 10 से 15 मिनट लग सकते हैं आपको इस प्रोसेस को करने में। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, हेल्पफुल लगती है, तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि इससे हमारा उत्साह बढ़े और भी वीडियो हम लेके आएं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए ऐसी ही टेक्नोलॉजी वाली वीडियो लेके आते रहते हैं। तो यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए बीच में वीडियो को पॉज कर दे रहा हूँ और ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस पहले पूरा होने देता हूँ। फ़ोन जब भी बूट होकर ऑन हो जा रहा है उसके बाद में वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा फ़ोन बूट हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं लोगो वगैरह सब कुछ बदल चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है अपडेटेड MIUI सक्सेसफुली। ऊपर आप देख सकते हैं सारे आइकॉन्स वगैरह भी बदल चुके हैं, यानी कि आपका डिवाइस, मेरा डिवाइस पूर्ण रूप से MIUI 10 में परिवर्तित हो चुका है। अब चलते हैं सेटिंग में और आपको दिखाते हैं कि ये स्टेबल वर्जन है या बीटा वर्जन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर ही लिखा हुआ आ रहा है MIUI ग्लोबल 10.0, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। सेटिंग को खोल के मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन 8.1.0 है और उसके नीचे आप देख सकते हैं सिक्योरिटी पैच लेवल 5.8.2018 का है और MIUI ग्लोबल स्टेबल वर्जन आपका 10.0.2.0, यानी कि Redmi Note 5 Pro से भी एक स्टेप आगे, उसमें 10.0.1.0 है, इसमें 10.0.2.0 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं MIUI 10 में आपका फ़ोन 100% परिवर्तित हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।